हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्ट बर्फी, बिना मावा के, बिना मिल्क पाउडर के, बहुत ही थोड़े से दूध से। बस एक कप दूध से हम ये इतनी सारी बर्फी बनाएंगे आज। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियोज़ देख पाएँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैन और इसमें मैं डालूँगी एक मग दूध। लगभग 300 ग्राम दूध है। इसको हमें अच्छे से बॉईल करना है। इसमें आप केसर, इलायची अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। फिर इसको अच्छे से बॉईल करना है, हाई फ्लेम पे रखना है शुरू में। अगर आप लो फ्लेम पे रखेंगे तो ये ब्राउन हो जाएगा और आपकी बर्फी का जो कलर है वो ब्राउन रहेगा, इसमें वाइटनिंग कम रहेगी। तो इसको अच्छे से हाई फ्लेम पर आपको बॉईल करना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी और इतने थोड़े से दूध से बहुत सारी बर्फी बनाएंगे हम। लगभग एक किलो, आधा किलो से ज़्यादा आपकी बर्फी बनके तैयार होनी। बस इसमें आपको डाल देनी है, यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग 2 चम्मच सूजी ऐड कर रही हूँ। वो वाली 2 चम्मच है जिससे आप चावल या सब्जी खाते हैं, उस चम्मच से मैंने 2 चम्मच सूजी ऐड कर दी है। और इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। जब जैसे इसको बॉईल करते जाएंगे ये दूध इस तरीके से गाढ़ा होता जाएगा। और अब इसमें अच्छे से उबाल आने देना है और फ्लेम को अपने हिसाब से मीडियम पे या फिर लो पे या हाई पे सेट कर सकते हैं। मैंने मीडियम टू हॉट पे सेट कर लिया है गैस को और इसको इस तरीके से चलाते जाएंगे। अब इसमें डाल देंगे हम लगभग 1 कप मलाई, फ्रेश मलाई है जो दूध से निकालते हैं वो। एक छोटी कटोरी, लगभग 75 ग्राम मलाई मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब यहाँ पे हमने जो है अच्छे से इसे मिक्स कर देना है कि अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद हमें कंटिन्यू से चलाते जाना है। लगभग 7 से 8 मिनट में आपकी इस तरीके की कंसिस्टेंसी में दूध आ जाएगा। और अब यहाँ पर फ्लेम को आप मीडियम पर सेट कर लें और अच्छे से इसे चलाएँ। जब ये कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी हो जाएगी कि बर्फ़ी जमने वाली है तो हम यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देंगे। तो बहुत ही आसानी से बहुत ही बढ़िया टेक्सचर, बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसका आता है। बिल्कुल मावे वाली मिठाई आपको वही स्वाद आएगा, बहुत टेस्टी बनके तैयार होगी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये। तो अब मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा हमारा बैटर बन चुका है। ये पैन भी हल्का हल्का छोड़ने लग गया है। अब यहाँ पर फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे करेंगे ठंडा। तब तक यहाँ पर लेंगे हम थोड़े से बादाम, ये 15-20 बादाम है मैंने ले लिए हैं। और अब इसमें डाल देंगे 2 इलायची और फिर अब इसमें हम डाल देंगे लगभग 4 से 5 टेबलस्पून चीनी और इसको इस तरीके से पीस के इसका बारीक पाउडर तैयार कर लेंगे। तो बादाम की जगह पे आप काजू यूज कर सकते हैं, काजू भी नहीं अगर यूज करना चाहते, बादाम भी नहीं यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर मूँगफली के दाने भी यूज कर सकते हैं आप। और फिर इस जो हमने ये पाउडर बनाया है इसको इसमें मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अगर हमें लगेगा कि इसको हमें फ्लेम पर चढ़ाना है तो हम गैस चला लेंगे। इस तरीके से आप एक बार मिठाई बना के ज़रूर देखें, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। सारा का सारा पाउडर इसमें मिक्स कर देना है थोड़ा थोड़ा करके और इसे अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए फ्लेम पे नहीं चढ़ाया है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा पाउडर, आप देख सकते हैं। और अब इसे हम फ्लेम पर चढ़ा देंगे। 2 मिनट तक इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से कुक करेंगे तो ये और भी बढ़िया आपकी बर्फी जम के तैयार होगी। इस तरीके से चेक कर लेंगे और जब ये गोला बनने लगेगा इसका तो इसका मतलब है बर्फी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब देख सकते हैं, अब इसमें 1 चम्मच घी अगर डालना चाहते हैं तो डाल दें। इससे क्या होगा, बर्फी आपकी बहुत ही बढ़िया खुशबूदार बनके तैयार होगी। देसी घी का बहुत बढ़िया स्वाद आएगा इसमें। तो 1 चम्मच घी और 1 गिलास दूध से आप बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती है और इस तरीके से मावे वाली मिठाई कम खर्च में बना के तैयार करें। तो हमारी बर्फी जम चुकी है, हमने फ्लेम को बंद कर दिया है, इसको ठंडा करेंगे और इसे हम जमाने के लिए ये मैंने देख सकते हैं आप बटर पेपर लगा दिया है इसमें और इस पर डाल दूंगी मैं खरबूजे तरबूज के बीज और थोड़े से इस पर डाल दूंगी मैं गुलाब के फूल की पत्तियां मैंने सुखा के रखी थी वो डाल दूंगी और फिर इसमें हम अपनी बर्फी जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। आप किसी थाली में प्लेट में भी जमा सकते हैं। तो ये मैंने इस डब्बे में इसको जमा दिया है, इससे बराबर कर देंगे इस तरीके से चम्मच की मदद से कर दें। चम्मच हल्का सा गीला कर लें फिर चिपकेगा नहीं। और ऊपर से इसके खरबूजे तरबूज के बीज डाल देंगे और गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देंगे और इस तरीके से इसे हम लगभग 3 से 4 घंटे में आपकी बर्फी जमके तैयार हो जाती है। और भी जल्दी खानी है तो आप फ्रिज में रख सकते हैं इसको, और भी जल्दी बनके तैयार हो जाएगी। बर्फी हमारी जमके तैयार हो चुकी है, इसको अपनी मनपसंद के पीसेस में कट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। और अब हम इसको टिश्यू पेपर हटा देंगे इसमें से इस तरीके से। तो टिश्यू पेपर नहीं है तो आप घी लगा के कोई भी थाली कोई भी प्लेट ग्रीस कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारी बर्फी जम के तैयार हुई, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी और लुक बहुत बढ़िया आया आप देख सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
तो बहुत ही बढ़िया बड़े बड़े पीसेस कट किए हैं मैंने। लगभग 1 किलो बर्फी हमारी बन के तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लुक वाइज भी अच्छी है, टेस्ट में भी अच्छी है। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।